इन दिनों बीजेपी हर जिले में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। यात्रा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री इंदौर आए हुए हैं। बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी से मिलने उनके घर पहुंचे। इस दौरान 74 साल पुराने प्रकाश हॉकी क्लब के खिलाड़ी गण भी मौजूद थे। इससे पहले जब भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया भी मीर रंजन नेगी और धनराज पिल्ले से मिले थे। इंदौर के आनंद नगर में उस समय रहवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब केंद्रीय मंत्री उनकी कॉलोनी में पहुंचे। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आनंद नगर में पहुंच रहे हैं, क्षेत्र के मंदिर पर सभी नागरिकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौका था इस समय ओलंपिक में भारत के हॉकी में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने का, तो सिंधिया इंदौर में हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मीर रंजन नेगी से मिलने उनके घर पहुंचे। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट की ओर से सिंधिया ने प्रकाश क्लब को 1 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। सौजन्य मुलाकात के दौरान हॉकी के कई पुराने खिलाड़ी भी मौजूद थे। सिंधिया हॉकी खिलाड़ियों के स्वागत से अभिभूत हो गए। 41 साल का सूखा जो है वो खत्म हुआ और हॉकी के अच्छे दिन शायद वापस आ रहे हैं और इसी में आज हॉकी का सम्मान है और बहुत समय से इंदौर जो है वो एक एस्ट्रोटर्फ की डिमांड कर रहा है। हम लोग आपको तो मालूम है विगत 3 सालों से सड़क पर हॉकी खेल रहे हैं तो बहुत जोर शोर के साथ में तुलसी सिलावट जी और हमारी पूरे जो ग्रुप है विकास हॉकी क्लब उन्होंने पुरजोर कोशिश की है कि इसी बार तो माहौल इतना खूबसूरत है तो इसका फ़ायदा उठाया जाए और एक ग्राउंड जो है वो इंदौर में वही हमने उन्होंने प्रॉमिस किया कि जल्द से जल्द जो है वो इंदौर को हॉकी करेंगे। क्या कुछ और भी चर्चा हुई आपके साथ लंबे समय बाद? दरअसल बहुत साल पहले हम लोगों ने 1998 में बैंकॉक के एशियन गेम्स जीते थे। धनराज पिल्ले उस टीम के कप्तान के मैं कोच थे और जब हम लोग जीत के इंदौर पहली बार जब वापस आए थे तो ढोल नगाड़ों के साथ में पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ था। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा देवास पहुंची। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा का मनोज राय ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा के दौरान सिंधिया ने तुलजा भवानी के दर्शन भी किए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा देवास पहुंची, जहां सिंधिया का मनोज राय ने जोरदार स्वागत किया। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत उन्होंने शिप्रा नदी की पूजा अर्चना के साथ की। सिंधिया ने पहले जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, इसके बाद भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सिंधिया ने प्रसिद्ध माताजी टेकरी पहुंचकर माँ तुलजा भवानी और चामुंडा माताजी की पूजा अर्चना भी की। सिंधिया ने जनता को प्रणाम कर कहा कि मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित हूँ। सिंधिया अपनी पुरानी पार्टी को कोसने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, जब भी मेरा नाम आता है तो कांग्रेस को खुजली होती है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया वो इन्होंने 70 साल में क्यों नहीं किया। सिंधिया ने कहा, हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। प्रधानमंत्री का संदेश हम एक एक कोने में ले जाएंगे। उन्होंने महंगाई के सवाल पर कांग्रेस को जवाबदार ठहराया और इस पर नियंत्रण करने की बात भी कही।